हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास है बी एम डबल ई की, जो कि आपका सिविल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो कल हम बात कर रहे थे इसकी, जो हमने पढ़ा था वो कनेक्शन पढ़ रहे थे, रेजिस्टेंस के कनेक्शन किस तरह से करते हैं। तो हमने कल पढ़ लिया था रेजिस्टेंस का, एक कनेक्शन पढ़ लिया था कि सीरीज में करते हैं वो किस तरह से करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का पैरेलल में कैसे कनेक्शन करते हैं वो आज पढ़ेंगे। पैरेलल मतलब समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। तो इसमें क्या होता है, जो भी रेजिस्टेंस होते हैं वो आपके पैरेलल में लगे होते हैं। पैरेलल में लगे होंगे इस तरह से, मान लो एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा है, एक ये लगा है, एक रेजिस्टेंस आपका ये लगा है, इस तरह से आपके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे होते हैं। मान लो तीन रेजिस्टेंस लगे हैं, इनके बीच में एक बैटरी लगी हुई है, प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। रेजिस्टेंस हैं आपके R1, R2 और R3। यहाँ से I करंट गया और ये तीन भागों में डिवाइड हो गया, एक I1, I2 और I3। तीन भागों में डिवाइड हो गया और टोटल रेजिस्टेंस, टोटल करंट यहाँ आके फिर I1 हो गया। तो बात करते हैं इसकी कि रेजिस्टेंस जब पैरेलल में लगाते हैं हम, तो मेनली तीन चीज़ें होती हैं। एक तो वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस आपका पोटेंशियल डिफरेंस समान होता है। पहली बात तो ये। और हम सीरीज में जब बात कर रहे थे तो क्या सेम रह रहा था, करंट आपका सेम रह रहा था, इसमें वोल्टेज सेम रहता है। दूसरी बात ये है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। भाई धारा यहां पे देखो, R1 में I1 धारा, R2 में I2, R3 में I3। तो धारा का मान अलग अलग रहता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा। तीसरी बात यह है कि तीनों भिन्न धाराओं का योग या टोटल कुल धारा के बराबर होता है। यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, टोटल करंट जो है आपका I इक्वल होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि I = I1 + I2 + I3, कह सकते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = क्या होता है, B upon R होता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I = B upon R होता है। वो इस क्वेश्चन में पुट कर दें, B upon R
यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी धारा सेम है, सॉरी वोल्टेज सेम है, तो वी रहेगा आर वन प्लस वी आर टू प्लस वी आर थ्री। तो वी अपॉन आर, बी कॉमन ले लो आप, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। बी से वी कैंसिल आउट, वन अपॉन आर इजिकल टू आ गया वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, वन अपॉन आर थ्री, ये हो गया। तो पैरेलल में हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि धारा, पहली बात तो पोटेंशियल डिफरेंस समान रहता है जो हमने पहली बात बता दी, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और करंट भिन्न भिन्न प्रतिरोधों के में भिन्न भिन्न रहता है, भिन्न भिन्न प्रतिरोधों पर करंट भिन्न भिन्न होगा, और तीनों धाराओं का टोटल वो कुल धारा के योग के बराबर रहेगा। यहाँ से हम I इजिकल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री दिखा सकते हैं। I इजिकल टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इजिकल टू क्या होता है, B अपॉन R। तो B अपॉन R इक्वेशन में पुट कर दिया, इसमें I इजिकल टू B अपॉन R, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वन क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज आपका वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो B रेजिस्टेंस आपका आर वन, बी वन आई वन के लिए क्या है बी आर वन, ऐसी आई टू के लिए आर टू, आई थ्री के लिए रेजिस्टेंस आर थ्री। ये पुट कर दिया, इक्वेशन सॉल्व कर ली, तो आ गया आपका वन अपॉन आर इजिकल टू वन आर इजिकल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ये होता है आपका पैरेलल कनेक्शन। अब बात करते हैं हम सीरीज पैरेलल, थर्ड आता है आपका सीरीज पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पैरेलल कनेक्शन किस तरह से करते हैं, यानी कि श्रेणी समांतर परिपथ, श्रेणी समांतर संयोजन, श्रेणी समांतर संयोजन किस तरह से करते हैं। तो इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगेंगे और कुछ रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे रहते हैं। क्या होता है, कुछ रेजिस्टेंस आपके सीरीज में लगे रहते हैं और कुछ रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में लगे रहते हैं। इस तरह से मान लो ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इस तरह से ये पैरेलल में लगा दिए हमने, ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया, बी सप्लाई है आपकी, रेजिस्टेंस है आपके आर वन आर टू आर थ्री, आर वन आर टू आर थ्री, और ये हो गया आपका आर फोर। बी वोल्ट की सप्लाई दे दी हमने, बी वोल्ट की सप्लाई दे दी। अच्छा, करंट क्या होगा, यहाँ से करंट आई गया तो इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू आई थ्री, ठीक, और यहाँ तीनों का टोटल आके फिर क्या हो जाएगा, आप करंट यहाँ फिर आई हो जाएगा इस तरह से, और ये आई निकल आएगा इस तरह से। तो हम सीरीज पैरेलल, तो हमने तीन रेजिस्टेंस यहाँ पैरेलल में लगा रखे हैं और एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा रखा है। तो अब हम इसकी निकालते हैं, इसका टोटल कैसे निकालेंगे, देखो आर वन आर टू आर थ्री क्या है, सीरीज में लगे पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसको निकालेंगे, मान लो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री, ये रहेगा। और टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आर टी इजिकल टू आर ई प्लस आर फोर, ये निकल के आएगा। अब देखो इधर, आप जानते हो परिपथ में धारा क्या होती है, परिपथ में धारा
आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर होती है, तो बी अपॉन आर टी हो जाएगी टोटल, टोटल धारा निकल जाएगी परिपथ में। बी क्या है आपकी सप्लाई वोल्टेज और आर टी क्या है परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस। अब मान लो हमें ये तीन शाखाएं हैं ए बी सी, तीन शाखाएं हैं। अब हमें ए बी शाखा ए बी का विभवांतर निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस जब हम निकालेंगे कौन से किसका विभवांतर निकालेंगे शाखा यानी ब्रांच ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस बी ए बी बी इजिकल टू आई भाई टोटल कितना है आई आर ई आई आर ई और आई इजिकल टू क्या होता है बी अपॉन आर टी इंटू आर ई, ये निकला है पोटेंशियल डिफरेंस इसका। इसी तरह से हम इसका निकालेंगे बी सी का शाखा बी सी का पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगा आई बी इजिकल टू क्या आई रेजिस्टेंस क्या है आर फोर, तो क्या हो जाएगा आई इजिकल टू क्या होगा बी अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर टी इंटू आर फोर, सॉरी आर टी है ये बी अपॉन आई टोटल करंट क्या है आई और टोटल रेजिस्टेंस निकालना आई इजिकल टू क्या होता है बी अपॉन आर, तो बी पोटेंशियल डिफरेंस बी है आपका और आर टी टोटल रेजिस्टेंस, तो ये हो गया। अब मान लो हमें निकालना हो आर वन में धारा कितनी बह रही है, आर वन में आई वन की वैल्यू निकालनी हो या आई टू की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब देखो प्रतिरोध में, प्रतिरोध आर वन में धारा, आर वन में धारा क्या होगी आई वन, आई वन क्या होगी आई इजिकल टू क्या होता है देखो पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम रहेगा, तो बी ए बी अपॉन रेजिस्टेंस आर वन, ये हो गया। इसी तरह से आई टू के लिए निकालेंगे, आई टू के लिए यानी आर टू में धारा कितनी बहेगी, तो क्या हो जाएगा बी ए बी अपॉन आर टू, ठीक। इसी तरह से बी आई थ्री के लिए निकालेंगे बी अपॉन बी ए बी अपॉन आर थ्री, ये तो हो गया आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस जो लगे थे उनके लिए करंट। अब भाई साहब आर फोर के लिए कैसे निकालेंगे बच्चों, आर फोर के लिए क्या हो जाएगा आई या आर फोर कह दो, आर फोर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल तो कितना हो रहा है आई हो रहा है, या आई फोर कह दो इसे कोई बात नहीं है, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंस बी बी सी बी सी अपॉन रेजिस्टेंस आर फोर, ये हो गया। करंट किस में मेजर करते हैं एम्पियर में, एम्पियर हो गया, तो ये हो गया आपका ये हो गया आपका आर वन में धारा निकाल ली हमने, आर टू में निकाल ली, आर थ्री आर फोर में धारा निकाल ली, ये चारों धाराएं निकाल ली हमने, सीरीज पैरेलल कनेक्शन समझ लिया। दोबारा देख लो, पहले हमने क्या आज देखा था पैरेलल में कनेक्शन कैसे कनेक्ट करते हैं,
तीन रेजिस्टेंस होते लगाए हैं, R1, R2, R3 तीनों पैरेलल में लगाए होते हैं। इनकी शर्त क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तीन पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। याद रखना, प्रत्येक धारा में, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न रहता है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न रहेगा। तीनों भिन्न भिन्न धाराओं का टोटल, तीनों जो भी धाराएं I1, I2, I3, इनका टोटल कुल धारा के योग के बराबर रहता है। इससे हम I इजिकल टू लिख सकते हैं, I इजिकल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इजिकल टू B अपॉन R, ये इक्वेशन में पुट कर दिया हमने, तो यहाँ से ये निकल आया 1 अपॉन R इजिकल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसी तरह से हमने सीरीज पैरेलल कनेक्शन निकाला है। सीरीज पैरेलल कनेक्शन में तीन रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, और एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया। भाई सीरीज पैरेलल में तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दिए, एक रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दिया। पैरेलल में हमने निकाल चुके हैं बन, इसका मान लिया टोटल आर इक्विवेलेंट इसका आर ही है, तो 1 अपॉन R ही क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, जो कि हमने अभी पीछे निकाला था। और टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस प्लस ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, RT इजिकल टू RE प्लस R4। अब हमने परिपथ में धारा निकाल ली, धारा क्या होती है, I इजिकल टू B अपॉन RT टोटल रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग शाखा AB का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, BAB इन दोनों के पॉइंट के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तो पोटेंशियल डिफरेंस B इजिकल टू क्या होता है, I, और रेजिस्टेंस कितना है टोटल R, टोटल रेजिस्टेंस कितना है RE, AB इजिकल टू IRE, I की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी। ऐसे ही शाखा BC का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला हमने और I की वैल्यू पुट कर दी। अब हमने धारा निकाल, सारे रेजिस्टेंस में धारा का मान निकाल लिया, सब रेजिस्टेंस में I1 इजिकल टू BAB अपॉन R1, I2 इजिकल टू BAB अपॉन R2, I3 इजिकल टू BAB अपॉन R3, I4 इजिकल टू BBC अपॉन R4। तो आज के लिए यही इतना ही है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हमें पढ़ना होगा कल कैपेसिटर, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। थैंक यू क्लास।